तो देखिए दोस्तों, हमने लिया है इसके लिए 200 ग्राम हरी मिर्च जो हमने मार्केट से लाया है। अभी मिर्ची का सीजन है तो अभी ये मोटी वाली मिर्च आ रही है, आप देख सकते हैं। तो हमने इसको धुल के अच्छे से वाश करके रख लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, तो आप लोग देखिए मेरे तरीके से आप लोग भी बनाइए। तो हम इसमें लगाएंगे जीरा, तो इसमें हम इसी तरह से सभी में चीरा लगाएंगे, आप देख सकते हैं। तो इसकी बहुत अच्छी हम एक नई रेसिपी बनाएंगे, तो चलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए, हमने सभी मिर्ची में चीरा को अच्छे से लगा लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसका हम बनाते हैं मसाला। हमने मसाला बनाने के लिए लिया है 4 बड़े साइज का आलू, जो 200 ग्राम या 150 ग्राम के बराबर है। तो हमने इसको नापा तोला नहीं है। तो ये देखिए, इसको हमने उबाल के अच्छे से मेस करके रख लिया है, खूब बारीक से, मेसर से, आप चाहे तो कद्दू से कस कर सकते हैं। तो इसको, और यहाँ पे हमने लिया है आधे चम्मच के बराबर जीरा, और ये कटा हुआ लहसुन, ये हरी मिर्च अपने तीखे के अकॉर्डिंग डालें, और ये कुछ धनिया पत्ती, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं, ये सब जाएंगे तड़का में। और इसके लिए हमने लिया है जो बेसन में जाएंगे मसाला, तो यहाँ पे हमने लिया है अजवाइन है आधा चम्मच छोटे चम्मच से, और यहाँ पे आधा चम्मच के छोटे चम्मच से हमने लिया है जीरा, यहाँ पे लिया है चावल का आटा 2 चम्मच, और यहाँ पे हल्दी लिया है, और कलर के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर रखा है, और यहाँ पर नमक अपने स्वाद के अनुसार। तो चलिए, हम सभी चीज़ों को अच्छे से रख लिए हैं, अब चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं, गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई को रख दिया है, गैस को जला लिया है। अब यहाँ पे हम डालते हैं रिफाइंड तेल, आप तो यहाँ हम रिफाइंड का तेल बस इतना ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। यहाँ पे हम डालेंगे जीरा, यहाँ पे डालेंगे हरी मिर्च और लहसुन। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं आलू। अब सभी को हम अच्छे से मिला लेते हैं मसाला में। डाल देते हैं नमक, मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, ज्वाइन और रहा जीरा। तो सभी को हम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। अच्छे से भुना जाएगा तो हमारा जो पकौड़ी बनाएंगे हम मिर्चा वाला, वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सौंधापन आएगा। तो ये देखिए, हमारा बढ़िया से बनके तैयार हो गया है चोखा। अब चलिए हम चलते हैं बेसन की तरफ। तो देखिए, हमने लिया है यहाँ एक बाउल, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच चने का बेसन, 3 चम्मच हमने चने का बेसन लिया है, और यहाँ पे होगा ये 2 चम्मच चावल का आटा। तो चावल का आटा आप ज़रूर डालें, इससे क्या होता है ना कि हमारी जो पकौड़ी होती है, या भजिया कहें या पकौड़ी कहें, कुछ भी कहें, वो बहुत क्रिस्पी होती है। तो इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हम नमक और हल्दी दोनों को हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे पानी। ये देखिए, पानी को तो हम एक साथ में नहीं डालेंगे, पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और इसको हम अच्छे से चम्मच से बढ़िया से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी को हम और डालेंगे। तो चलिए, हम इसका अच्छे से घोल बना लेते हैं सॉफ्ट वाला। अब हमारा बैटर होके तैयार हो गया है। तो ये देखिए, हमारा जो चोखा हमने भून के रखा था ठंडा हो गया है। तो चलिए, अब एक एक मिर्चा करके हम भर लेते हैं इसमें चोखा। तो ये देखिए, चोखा को हम उतने ही उठाएंगे कि जितने आराम से भर जाए। इस तरीके से आप लोग भी बनाइए, ये बहुत ही अच्छा बनता है। ये मिर्चा बार बार नहीं मिलता है, ये सर्दियों के ही मौसम में मिलता है, अभी तो आ रहा है मार्केट में। तो इसका बीज भी हम नहीं निकाले हैं, इस मिर्चा तीखा नहीं होता है। इसी तरह हम सभी को भर के रख लेते हैं। ये हमने बन भर के अच्छे से रख लिया है, कितना प्यारा लग रहा है ना, लग रहा है ना कितना अच्छा, मन तो लालच तो लगता होगा सभी को। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइए। तो चलिए, इसको हम चलते हैं अब तेल में फ्राई करते हैं। हीट हो गया है, गर्म हो गया है, आप तेल को चेक कर लेती हूँ।
तो ये देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो चलिए हम मिर्चा को उठाते हैं और इस तरह से मिर्चा को हम लपेटेंगे। ये देखिए तो हम हाथों से इसको अच्छे से लपेट लेते हैं और हम तेल में इसको डालेंगे। तो ये देखिए इसको भी हम इसी तरह डाल देते हैं। तो आराम आराम से हम डालेंगे, एक साथ बहुत सारा नहीं डालेंगे। तो अभी हम एक और डालेंगे। इसी तरह सभी को हम अच्छे से निकाल लेते हैं फ्राई करके। तो देखिए हमारा मिर्चा का भजिया बनके तैयार हो गया है। इसको हम पकौड़ी बोलते हैं, कहीं कहीं पे लोग भजिया बोलते हैं। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा बनके पकौड़ी अच्छे से तैयार हो गया है। तो आप लोग भी बनाइए, बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छा कलर आया है। ये पकौड़ी हमारा बनके अच्छे से तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी पकौड़ी बनके तैयार हुआ है, क्रिस्पी वाला। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। आप लोग भी इसी तरह से ट्राई करिए और यहाँ पे आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार है। दोस्तों आप लोग भी इसी तरह से ट्राई करिए और आप यहाँ पे चाहे केचप के साथ या हरी चटनी के साथ, तो हमने यहाँ पे दोनों रखे हैं, आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो पे इसी तरह आप लोग बने रहिए और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।